आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में। रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से कई एरिया वार्निंग्स दी गई हैं, जिनको देखकर लगता है आने वाले समय में DRDO कई सारी मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट करने वाला है। पहली एरिया वार्निंग 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में दी गई है, इसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दूसरी 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में दी गई है और इसको अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जहां पर ये दोनों एरिया वार्निंग APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में दी गई हैं, वहीं पर ये जो तीसरी एरिया वार्निंग है ये विशाखापट्टनम के पास में दी गई है। वहीं पर चौथी एरिया वार्निंग फिर से APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में है और ये 11 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक की है। लेकिन इसमें जो तीसरी एरिया वार्निंग है जो विशाखापट्टनम के पास में है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग क्लेम किया गया है। क्लेम ये है कि क्या ये K5 मिसाइल सिस्टम का पॉपअप टेस्ट हो सकता है। देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब भी हम लोग एरिया वार्निंग्स की बात करते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका होता है ऐसे सिस्टम्स के बारे में बात करने का जिनके टेस्ट अभी होने हैं, और स्पेकुलेटेड सिस्टम को लेकर इवेंचुअली भले ही टेस्ट ना हो लेकिन कम से कम उनको लेकर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है और इन वीडियोज का वही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 की बात की जाए तो ये K-सीरीज की तीसरी मिसाइल सिस्टम होने वाली है। इससे पहले K-15 सागरिका और K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। वैसे K-5 का टेस्ट साल 2018 में होना था लेकिन अलग अलग कारणों के चलते इसका टेस्ट नहीं किया गया था। अगर K-5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये एक 3 सॉलिड स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम होगी। माना जा रहा है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर तक की होगी और ये लगभग 2 टन का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगी। परफॉर्मेंस के हिसाब से माना जा सकता है कि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल Agni-5 की तुलना की मिसाइल होगी। प्रैक्टिकली इस मिसाइल सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S-5 के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इसको S-4 और S-4 Star में भी यूज किया जा सकेगा। वैसे कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि इसको अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में इस मिसाइल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन K-4 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसकी लंबाई और डायमीटर काफ़ी हद तक K-4 से मिलता जुलता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा की होगी, ऐसे में वही फिजिकल प्रोफाइल रिटेन करना इस मिसाइल सिस्टम के लिए डिफ़िकल्ट होगा। वैसे S-5 क्लास की सबमरीन्स अभी बनकर तैयार नहीं हुई हैं और S-4 क्लास की सबमरीन्स इस समय सी ट्रायल्स में हैं। ऐसे में इन सबमरीन्स का प्रयोग करके ये बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं लॉन्च की जाएंगी, इनको लॉन्च किया जाएगा एक अंडर वाटर पॉन्टून से। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल पॉन्टून को देख सकते हैं। इनिशियली जब K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू की गई थी तब इसी पॉन्टून का प्रयोग किया गया था। वैसे यहाँ पर जिस टेस्ट की बात की जा रही है उसको नाम दिया जा रहा है पॉपअप टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट का ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं है। इस तरीके के टेस्ट के दौरान पानी के अंदर मौजूद उस पॉन्टून से ये मिसाइल सिस्टम बाहर निकलकर आती है और उस स्टेट तक जाती है जहां पर इसको लॉन्च होना होता है, लेकिन इग्निशन मोटर ऑन नहीं की जाती है। प्रैक्टिकली इस टेस्ट के दौरान उस मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा जिसकी मदद से ये मिसाइल सिस्टम पानी से निकलकर बाहर आएगी। और आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का जब टेस्ट किया जाता है तो इनिशियल पॉपआउट के बाद में, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम्स जब पानी से निकलकर बाहर आ जाती हैं, उसके बाद इनकी इग्निशन मोटर ऑन की जाती है। नॉर्मली ये पार्ट लैंड से भी टेस्ट किया जा सकता है, जहां पर कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म के तहत पहले ये मिसाइल सिस्टम हवा में उछाल दी जाती है और उसके बाद इसका इग्निशन मोटर स्टार्ट होता है। ओवरऑल ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली किस सिस्टम का टेस्ट किया जाता है, और अगर ये पॉप आउट टेस्ट होता भी है तो क्या DRDO की तरफ से इसको लेकर कोई प्रेस रिलीज की जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।